वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए स्टिरिंग स्टिक, स्पैचुला स्पून, येलो कलर, ब्लू कलर, सिट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा, टू बाउल्स एंड मेजरिंग कप एंड 15 and 25 ml वाटर। सो गाइस, अभी हमें इसके अंदर डालना है 25 ml वाटर। तो गाइस, इसको जल्दी से डाल देते हैं। सो गाइस, अब हमें इसके अंदर 25 ml डाल के इसको डाल देंगे अब हम इस बाउल में। सो गाइस, अब हम इसके ऐड करेंगे 2 drops ऑफ येलो कलर एंड 2 drops ऑफ ब्लू कलर। तो अब इसको जल्दी से डालते हैं। सो गाइस, एक बार देखिए, और अब हमें इसको कुछ सेकंड्स के लिए स्टिरिंग से मिक्स कर देना। सो गाइस, अभी हमारे मिक्स हो चुका है। अब हमारे सेकंड बॉल की बारी। इसके अंदर हमें वो स्पैचुला स्पून से 1 scoop डालना सिट्रिक एसिड का। तो इसको फटाक से खोल के डालते हैं। सो गाइस, अब हमने ये सिट्रिक एसिड डाल लिया। अब हम इसको फटाक से बंद कर देते हैं। और अब हम इसके अंदर डालते हैं अपनी बेकिंग सोडा। सो गाइस, अब हम इसको कर देते हैं मिक्स। और अब एक स्टेप है, हमें अपने ये जो रेडी हुआ हुआ इसको इसके अंदर डाल देना, फिर आप देखना क्या होता है रिएक्शन। तब इसको डाल देते हैं इसमें। सो गाइस, देखिए कैसे फिज हो रही है इसके अंदर। जैसे जब हम कोका कोला पीते तब ऐसी होती है जब, और ऊपर ऐसे जल्दी से निकलती है। और देखिए वही रिएक्शन यहाँ हो रहा है। देखिए बबल्स बनने स्टार्ट हो रही है। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए इसके बबल्स, अब इसके थोड़े कम हो गए कि इसको थोड़ी देर हो गया। पर आपने देखा था अभी कि इसको कैसे फिज निकली थी। सो गाइस, आपने देखा कि
सिट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा के अंदर पानी मिलाने से एक रिएक्शन होती है जिसके अंदर से फिज निकलने लग जाती है, जैसे हम अपने कोका कोला को शेक करते हैं और तब निकलती है। देखा आपने इसको कैसे फिज निकली थी, और उसके बाद बबल्स बनने रेडी हो जाते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक में होते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना।